नमस्कार विद्यार्थियों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस जानेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं। फर्स्ट वन, पेपर फर्स्ट। बच्चों, पेपर फर्स्ट का नाम है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियां कहते हैं, या दूसरी भाषा में रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, या सामाजिक अनुसंधान, ठीक है। बच्चों, ये तो हो गया हमारे पेपर का नाम क्या है। पहले पेपर का नाम है सामाजिक अनुसंधान की विधियां, या फिर सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। सामाजिक अनुसंधान में पूरी विधियां क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे रिसर्च किया जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी सिलेबस बताएंगे। फिर सीधे सीधे क्लासें होंगी, ठीक है। बच्चों, अब हम जानते हैं पहली यूनिट। पहली यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है और इनके बीच विवाद क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये क्या है, हमारे प्राकृतिक विज्ञान है बच्चों। और सामाजिक विज्ञान जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर इनके बीच में वैज्ञानिक बनाने के लिए कैसे कैसे संबंध डेवलप किए गए हैं बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। इन दोनों में क्या है, बहुत सारी भिन्नताएँ हैं। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान कैसे होते हैं, एक दृढ़ होते हैं, मतलब जो बात है वो पूरी तरह से यथार्थ होती है, रियलिटी बेस्ड होती है। जबकि सोशल साइंसों में ऐसा नहीं है। सोशल साइंस में क्या है, मानव का व्यवहार क्या है बच्चों, समय समय पर बदलता रहता है, स्टेबिलिटी का अभाव है, ठीक है बच्चों। इसमें पूरी व्यवस्था है दी गई है कि किस तरह से हम सामाजिक सोशल जब रिसर्च करेंगे तो कैसे कैसे हम इसको जानेंगे, ठीक है। फिर इसमें दूसरा टॉपिक है सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान क्या है और इसके प्रकार, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, इसको जानेंगे। सामाजिक अनुसंधान का मतलब है जैसे कि हमारे भारत सरकार समय समय पर 10 साल के अंतराल में जनगणना कराती है, इससे ही तो पता लगता है कि देश में योजनाएं कैसे बनानी है, कौन कौन सी के लिए कितना बजट तय करना है, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं हम, सामाजिक अनुसंधान। और आज के ज़माने में क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, समाज की ज़रूरत भी है कि नई नई चीज़ क्या आ रही है, मतलब कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको बंद करना है, कौन सी को ज़्यादा प्रोत्साहन देना है, ये सब रिसर्च के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और इसमें हम अनुसंधान के कुछ प्रकार बताएंगे, जैसे प्रायोगिक है, डिस्क्रिप्टिव है, और इन्वेंट्री है, अन्वेषणात्मक है, और एक्शन रिसर्च है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसमें अगला टॉपिक है सामाजिक सर्वे, सोशल सर्वे जिसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। आजकल तुम देखते हो जैसे कि कभी कभी, जैसे एग्जांपल में आ गया, कभी कभी लिखे हुआ दैनिक भास्कर राजस्थान में पढ़ा जाने वाला नंबर वन अखबार। इसका मतलब क्या है, एक सर्वे के माध्यम से हमें पता लगा है कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पर चल रही है। और ऐसे ही आप जान लो, किसी भी चीज़ का प्रोमो होता है, प्रमोशन, या उसको क्या है एडवर्टाइज़ किया जाता है, तो उसमें दिखाते ना ये नंबर वन, ये नंबर, ये सब कैसे संभव हो पाया है, सोशल रिसर्च के माध्यम से और सामाजिक सर्वे के माध्यम से ये संभव हो पाया। जैसे कि बोला जाता है, इन भारत सरकार कराती है स्वच्छता सर्वेक्षण, हर वर्ष जारी होता है, ठीक है बच्चों। इससे ये पता लगता है कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है, कौन सा गंदा है, ये सब क्या है, हम सर्वेक्षण के माध्यम से समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम इसी में अगली पॉइंट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड क्या है, मतलब किसी भी विज्ञान, किसी भी विज्ञान या विषय का अध्ययन करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, उसके स्टेप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को वैज्ञानिकता के आधार पर उसको खरा उतारना तो ये तब संभव हो पाएगा जब हम किसी भी चीज़ का जो अध्ययन करेंगे, समाज का या समाज की किसी भी इकाई का, जाति, नातेदारी, संस्था, तो क्या करेंगे हम, पहले साइंटिफिक मेथड लगाएंगे, फिर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि उसकी विज्ञान की नेचर जानना बच्चों,
फिर उसका समस्या का वर्गीकरण, परीक्षण, विश्लेषण, फिर बाद में क्या है किसी भी रिसर्च का क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये इसकी मुख्य मुख्य चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें पढ़ेंगे सामाजिक शोध के बारे में कि कौन कौन सी संस्था है जो सोशियोलॉजी के अंतर्गत या सोशल साइंस में रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, जैसे कि लाइक एज इंडिया में है ISSR जो न्यू दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, एक है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, ऐसे ही ज्योग्राफी में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी किसकी कितनी बात हुई बच्चों, ये हमारी अब फर्स्ट यूनिट की पूरी सिलेबस हमने समझ लिया बच्चों। अब हम सेकंड यूनिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट में क्या क्या है, सर इसको रोक देना, तो देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान में बच्चों क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। ये क्या होती है बच्चों, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मतलब है, जैसे कि ये मार्कर है, मान लो अगर ये मार्कर हमें जैसा दिख रहा है इसकी तारीफ हम वैसे ही करें तो ये हो गई ऑब्जेक्टिविटी, इट मीन्स मौलिकता। और सब्जेक्टिविटी मीन्स है किसी भी चीज़ का पूरा विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, व्याख्या करना। तो ठीक है बच्चों, तो सामाजिक अनुसंधान में क्या है, किसी भी समाज का जब अध्ययन करते हैं तो उसका सच्चाई पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठता का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठता का मतलब कि वो जो चीज़ हमें समाज में जैसे दिख रही है उसकी यथार्थता वैसी ही व्याख्या करना। और व्यक्तिनिष्ठता में क्या है, उसका पूरा विश्लेषण, जैसे कोई घटना हुई, समाज घटना गए और इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसकी जांच हुई तो बहुत सारे तथ्य निकल के आए, तो उसको हम करेंगे व्यक्तिनिष्ठता के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट में प्राकल्पना। बच्चों क्या पढ़ेंगे, प्राकल्पना की पद्धति क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और रिसर्च में इसका यूज क्या है। ठीक है, प्राकल्पना है, हाइपोथीसिस, इसके दो और से अरे नाम है, उपकल्पना भी कहते हैं इसको। प्राकल्पना का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रूपरेखा बनाना। ठीक है बच्चों, जैसे कि जब हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसके पहले हम एक उसका मैप बनवाते हैं, मैप कहाँ कौन सी चीज़ व्यवस्थित करनी है और कहाँ होगी वो। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर। और प्राकल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि शून्य प्राकल्पना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे पायलट स्टडी भी पढ़ेंगे इसमें। पायलट स्टडी का मतलब होता है किसी भी रिसर्च को करने के दौरान उसको पहले प्रयोग के तौर पर देख लेते हैं, वो चीज़ कितनी सफल है। जैसे कि अभी वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना चलाई थी सरकार ने, तो क्या किया, सबसे पहले उसको 7 राज्यों में उसको क्या है शुरू किया, फिर उसकी रिजल्ट आए, जैसे कि राजस्थान में भी है तो मध्य प्रदेश में, तो उसके रिजल्ट है उसके आधार पर आप पूरे देश में इसको लागू कर दिया। तो ये है पायलट स्टडी का मतलब होता है, पहले सरसरी तौर पर उस चीज़ को चेक करके देखा जाता है कि समाज के लिए वो कितनी रिलायबल है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे बच्चों अवलोकन। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन। क्या बच्चों, ऑब्जर्वेशन। ये अवलोकन कई तरह का होता है,
जैसे कोई घटना हो गई उसकी जांच करनी है तो सबसे पहले क्या है, हमें वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। और अवलोकन कई तरह से हो सकता है, जैसे कि सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, और कई तरह के इसमें व्यवस्था है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें प्रश्नावली। किसी भी रिसर्च करने के लिए प्रश्नावली का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रश्नावली होती है वो शिक्षित लोगों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे समाज में जाना है, लोगों का सर्वे करना है, जनगणना करनी है, तो घर घर जाना है, तो क्या एक प्रश्नावली का पूरा फॉर्मेट होता है, जिसको क्या वो उसके क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली किसके लिए यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे लोग। और इसी में एक है अनुसूची, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल। अनुसूची में क्या होता है, ये भी रिसर्च में टूल के रूप में यूज़ की होती है रिसर्च में। इसमें दो तरह से यूज होता है, एक तो पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं और अनपढ़ लोग, दोनों के लिए होता है। अनपढ़ लोग क्या करते हैं, जो साक्षात्कारकर्ता उस फील्ड में जाता है तो उन लोगों से जिनका साक्षात्कार ले रहा है उनसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछता जाएगा और उनके हिसाब से टिक करता जाएगा उसमें। तो ठीक है, प्रश्नावली अनुसूची की बात हो गई। और इसमें पढ़ेंगे हम केस स्टडी। अगला स्टेप है इसमें, जो टॉपिक है नया, व्यक्तिक अध्ययन। इसको बोलते हैं बच्चों केस स्टडी। सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च करने के लिए केस स्टडी की भी अपनी उपयोगिता है। इसमें ये होता है जैसे कोई घटना हुई है उसकी बहुत डीपली जानकारी लेने के लिए क्या है, हम केस स्टडी का आयोजन करते हैं। जैसे कि समाज में नशाखोरी बढ़ती जा रही है मान लो, और उस नशाखोरी का अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे, केस स्टडी करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है तो पुलिस क्या करेगी, उसकी केस स्टडी करेगी। केस स्टडी से ये पता चलेगा वो जो घटना हुई है, जो वो घटना हुई है उसका कितनी फाइंडिंग्स है, कैसे कौन कौन से रीजन रहे कि व्यक्ति ने आत्महत्या की, तो और किन किन लोगों में क्या, पूरी प्रक्रिया इस केस स्टडी के माध्यम से बड़ी डीपली स्टडी की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है जैसे कि द्वितीय स्रोत, जैसे उस व्यक्ति ने डायरी लिखी है, क्या कोई सुसाइड नोट पाया गया है, या कोई फ़ोन कॉल डिटेल, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मतलब उसको टॉर्चर, ये सब चीज़ें केस स्टडी में बच्चों पढ़ते हैं। इस तरह से अब हमारी तीसरी यूनिट की पूरी बात हो गई है। अब चौथी यूनिट के बारे में जानते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फोर्थ यूनिट बच्चों, ठीक है बच्चों, फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है निदर्शन, सैंपलिंग पढ़नी है, सैंपलिंग के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हम सैंपलिंग की बात करें, आगे सैंपलिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो एक परिवार में, एक गांव में 1000 की आबादी है, उसमें से 10 लोगों को चुन लिया तो ये हो गया सैंपलिंग। ठीक है बच्चों, क्या होगी सैंपलिंग, मतलब वो जो 10 लोग हैं वो पूरे समाज को की विशेषताओं को क्या कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई निदर्शन। निदर्शन करने का, सैंपलिंग का तरीका क्या है, इसकी पूरी विधि जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे, और अनुसंधान में इसकी उपयोगिता क्या है ये जानेंगे। जैसे कि सैंपलिंग में लॉटरी मेथड होता है एक, ये ठीक है, एक रैंडम सैंपलिंग होती है। ठीक है, एक के बाद एक, जैसे कि एक को छोड़ के जैसे गिनती होती है ना, इवन ऑड की तरह। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से सैंपलिंग के बारे में पूरा। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं वो भी पढ़ेंगे, सैंपलिंग के दौरान कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो रिसर्च कर रहे हैं हम, एग्जांपल के तौर पे रिसर्च करने में हमें सैंपल लेनी है, अगर हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा हुआ तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा रिसर्च के दौरान, बहुत सारे संसाधन चाहिए हमें रिसर्च करने के लिए, डिपेंड करता है सैंपल साइज कैसा है। अगर सैंपल साइज छोटा है तो कम समय लगेगा, तो रिसर्च इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बातें समझ में आ रही होंगी। रिसर्च बड़े लेवल पर भी होता है, छोटे लेवल पर भी होता है, वो उसकी उपयोगिता के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक अगला इसमें पॉइंट है, टॉपिक बच्चों, अंतःवस्तु विश्लेषण। अंतःवस्तु विश्लेषण ये भी टॉपिक रिसर्च का ही टॉपिक है,
इसकी भी अपनी उपयोगिता है, इसको बोलते हैं बच्चों कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट एनालिसिस। सामाजिक अनुसंधान में कंटेंट एनालिसिस की भी अपनी उपयोगिता है, जैसे कि हमें समाज के बारे में, जैसे मान लो दहेज प्रथा या भ्रूण हत्या के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस समाज में जाएंगे, उससे पुलिस के थाने जाएंगे, थाने से जाके पूरा डेटा निकलवाएंगे, आखिर उस क्षेत्र में कितनी भ्रूण हत्याएं हुई हैं या दहेज हत्याएं हुई हैं, तो और फिर कई सारी जगह जगह से वो स्रोत तलाशेंगे। तो क्या है, मान लो कि भारत सरकार के आंकड़े ले लिए हमने इस संदर्भ में, राज्य सरकार के अलग ले लिए, या कोई विदेशी एनजीओ ने उस पर स्टडी की है उसके आंकड़े ले लिए, तो ये तीन तरह की हो गई। अब तीन का जो भी जो भी निष्कर्ष निकलेगा या निचोड़ निकलेगा या जिस्ट निकलेगा, तो बच्चों ये क्या हो गया, कंटेंट एनालिसिस। जैसे कि मान लो हम डेली लाइफ में क्या है, बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका, एक इंग्लिश का भी पढ़ते हैं, लेकिन उस खबर को जानने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए क्या करें, उसमें से मेन मेन थीम देख लेते हैं, आखिर उसमें क्या, यही होता है कंटेंट एनालिसिस। जैसे कि रिव्यू करना, हम लोग आजकल देखते हैं रिव्यू करते हैं, जैसे कोई मूवी आई है या कोई किताब बनी है उसका रिव्यू देते हैं, ठीक है, कि हमें कैसी लगी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें खास थी, तो ये क्या हो गया, कंटेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब लास्ट यूनिट है बच्चों, फिफ्थ यूनिट, इसको देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे तथ्यों का सारणीकरण, टेबुलेशन, ठीक है बच्चों, ये कई तरह से होता है, इसकी विधि जानेंगे बच्चों, उससे जुड़ी हुई जैसे कि पाई चार्ट, ठीक है बच्चों, ये हो गया इसके बारे में। फिर अब एक नया टॉपिक है, इसी में लास्ट सांख्यिकी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि रिसर्च करने के लिए सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसके बिना रिसर्च संभव नहीं है, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुलक, माध्यिका, इससे जुड़े कुछ सवाल, इस तरह से क्या है बच्चों, पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने बता दिया आपको। और अब आगे की क्लास में क्या है, एक एक यूनिट करके एक एक टॉपिक आपको रेगुलर क्लास में डिस्कस किया जाएगा, और आपको अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास, जिससे आप क्या है आगे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल फिर नई क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ, नमस्कार।